वेलकम बैक माय वॉरियर्स, फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कनेक और हम लोग डिस्कस कर रहे थे वॉरियर सीरीज, जिसमें कि हम लोगों ने मैग्नेटिज्म की शुरुआत की। मैग्नेटिज्म पे हम दो लेक्चर्स देख चुके हैं, बायट सावर्ट लॉ से लेकर उसके एप्लीकेशन और सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, उसकी एक्सेस पे, सेंटर पे, आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये सब बातें हम लोगों ने देख ली हैं, है ना। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की, ठीक है। तो देखते चलना क्या बात है, कहां से शुरुआत हो रही है और कहां जा रही है बातें। तो मैं बातें शुरू करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है। इलेक्ट्रो में आपको याद है कि जो बेसिक लॉ हुआ करता था जिसके कारण हम अलग अलग रिजल्ट्स निकालते थे, वो कौन सा लॉ था जिससे आप लोग रिजल्ट्स निकालते थे? किसी के लिए भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए, शीट के लिए, तो आप कौन सा लॉ लगाते थे? शुरुआत में क्या सीखा आपने? आपने सीखा कूलम्स लॉ, डेफिनेटली कूलम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा कि भाई साहब जिस तरह से कूलम्स लॉ होता है तो उससे हम जो रिजल्ट्स निकालते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। कई बार होते हैं ना, एक जो है वायर के लिए निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा देके रखी, आपको याद आना चाहिए, सारी बातें रिलेट करनी चाहिए। तो कूलम्स लॉ हम सीख चुके थे, लेकिन हमारी बातों को सरल बनाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इसके बाद इंट्रोड्यूस किया गॉसेस लॉ। हाँ या ना प्यारे बच्चों, ये ऑलरेडी था, उसके बाद भी आया। क्यों आया? क्योंकि ये बातों को आसान बना रहा था, ये हमारे काम को आसान बना रहा था। सिमिलरली इन मैग्नेटिज्म में क्या होता है, हमारे पास एक ऑलरेडी बेसिक लॉ है। कौन सा लॉ है हमारे पास? हमारे पास है बायट, ठीक है, टी साइलेंट होता है, सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट का लॉ हम देख चुके हैं, उसके कारण किसी वायर के लिए अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं, दूसरे लेक्चर में आपने देखा था, जिसने नहीं देखा जाके देख लो। तो बायट सावर्ट लॉ हमको पता है ना, लेकिन इसके होते हुए भी आ रहा है एक दूसरा लॉ। कौन सा लॉ? ये वाला लॉ। क्या नाम है इसका? एम्पियर्स, ठीक है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सीधी सी बात है कि ये जीवन को आसान बना रहा होगा, तभी तो आ रहा ही है। कोई भी एक एग्जिस्टिंग चीज के होते हुए दूसरी चीज आ रही है, मतलब कोई ना कोई इसमें कठिनाइयां थी जिसको कि रेक्टिफाई कर रहा है, सीधी सी बात है, इसलिए हम लोग इसको ला रहे हैं। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ये हमारे जीवन कैसे आसान बनाएगा, ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका स्टेटमेंट बता दूं, स्टेटमेंट क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ का। देखिए बात ऐसी है, थोड़ा सा समझते चलना, बात ऐसी है एम्पियर सर्किटल लॉ में कि ये है इंटीग्रल, जो सामने से साइन बनाते हैं क्या बनता है बेटा? इंटीग्रल। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लोज्ड इंटीग्रल। तो मतलब ये चर्चा चल रही है क्लोज्ड इंटीग्रल की, ठीक है। अब किसके क्लोज्ड इंटीग्रल की बात चल रही है? बात चल रही है बी डॉट डीएल, डीएल की चर्चा चल रही है। मतलब ये कैसा इंटीग्रल है? सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल? नहीं, ये है लाइन इंटीग्रल। तो ये दे रहा है आपको लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप। ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी क्लोज्ड लूप में, ये क्या होगी, ये कितनी होगी? ये होगी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। ये कहलाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। समझना कि सर आपने तो एक लाइन में बोल दिया, लेकिन इसमें तो जमाने भर की कठिनाइयां हैं, जमाने भर के प्लस माइनस हैं, जमाने भर के डूज एंड डोंट्स हैं, तो उनके बारे में कौन डिस्कस करेगा? अरे हम ही करेंगे, सुनते चलो, देखते चलो। ये जो B है, what is this B? This is magnetic field, ठीक है, magnetic field. किसके कारण magnetic field? जितने भी current carrying conductors हैं, जितने भी current carrying conductors हैं, C, उन सब के कारण जो magnetic field लग रही है, ये वो है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर वो I क्या है? ये I क्या है? This is the current enclosed, किसमें enclosed हो रहा है? जो उस लूप में एनक्लोज हो रहा है। कौन से लूप में? एम्पियर्स लूप में। क्या होता है ये समझाऊंगा अभी, देखते चलो। करंट एनक्लोज्ड बाय दी एम्पियरियन लूप। अच्छा, चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आई। तो सर कुछ इसका एग्जांपल से समझाओ, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, आपको इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट क्यों ले रहा हूं, उस पर भी काफी विस्तार में चर्चा करूंगा, डिटेल में काफी इसकी बातें करूंगा, ठीक है। बहुत गहरे कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजेदार है, बहुत बात है, ये ध्यान से सुनो। एक इनफाइनाइट वायर है, इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। तो क्या करें सर, कैसे निकालें? बेटा आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, यू नो हाउ डू वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड।
आप लोग अभी तक जो बायट सावर्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग कैसे निकालते मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग इंटीग्रेट करते एक एलिमेंट ले लेते हैं, हाँ या ना बच्चा लोग, आप एक एलिमेंट ले लेते हैं फिर उसके कारण एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते, लंबा चौड़ा सा रिजल्ट आता। हमको मालूम है, ये बात मालूम है कि नहीं? बिल्कुल मालूम है। ये जो लॉ हम लोग लाए हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, डेफिनेटली इस चीज को आसान बनाना चाहिए, तभी तो आया है। आइए देखते हैं कैसे अप्लाई करें। ये कहता है कि सबसे पहले तो आप एक लूप सिलेक्ट कर लीजिए, आप एक एम्पीरियन लूप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कर लिया। तो इस लूप की क्या खासियत होनी चाहिए, इस एम्पीरियन लूप की क्या खासियत होनी चाहिए, इस एम्पीरियन लूप पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखो मैं कंडीशन लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, स्टार बनाकर लिख रहा हूं कंडीशंस। एम्पीरियन लूप जो है इस पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, पहली बात मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए यूनिफॉर्म, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। दूसरी बात कि जो फॉर्मूला आपने लिखा है बी डॉट डी एल, तो क्या इसमें डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है। किस किस के बीच का? मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या, ये आपके पास क्या, लेंथ एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, लूप पे कोई भी छोटू सा एलिमेंट, ठीक है, बिल्कुल एक इनफाइनाइटसिमली स्मॉल एलिमेंट, ये रहा डीएल, ये रहा छोटू सा एलिमेंट, ये रहा बच्चा एलिमेंट, ठीक है, डीएल। तो सर इसकी 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 डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन ये रही ना, डीएल की डायरेक्शन ये रही, दिस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, यहां पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, यहां पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, ओके 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 ओके। तो ट्विंग ट्विंग ट्विंग, ये है डीएल की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन बच्चा लोग, डीएल की, ओके। बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो करंट कैसा जा रहा है, करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, अरे करंट कैसा जा रहा है, करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, इसको पकड़ो ऐसे, घुमाओ हाथ, घुमाओ ऐसे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओ हो 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 हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, बी या डी बी जो भी कहूं मैं, बी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, मतलब के डीएल और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, डीएल और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, यहां पे आपने लिखा इसको, इसको आपने लिखा बी डीएल का कॉस ऑफ थीटा, तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड बी, तो हाउ मच इज द एंगल इन दिस केस, दिस पर्टिकुलर केस, हाउ मच इज द एंगल, थीटा इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो क्या सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि जब एंगल जीरो होगा तभी ये लॉ वैलिड, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन लेकिन ये लॉ यूजफुल तब, आसान आसान बननी चाहिए ना। देखो मैंने पहले शुरुआत कहां से की, मैंने बात यहां से शुरू की कि हमारे पास बायट सावर्ट लॉ तो ऑलरेडी है, फिर भी ये लॉ हम पढ़ रहे हैं, क्यों, व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस लॉ, बिकॉज इट्स गोइंग टू मेक थिंग्स इजियर। तो अगर ये इजी ना बना के और कॉम्प्लिकेट बना दे फिर तो यार गोली मारो, ऐसे लॉ को क्यों पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, डेफिनेटली ये आसान बना रहा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो एंगल अगर आपका जीरो हुआ या एंगल आपका 90 हुआ तो आपके कैलकुलेशंस बड़े आसान हो जाएंगे, बड़े मजेदार तरीके से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाए बड़े एकदम ऐसे निकालोगे, ठीक है। सोलेनोइड कन्वर्ट का जब डेरिवेशन करूंगा तब देखना। नाउ सी, दूसरी बात ये निकली कि जो एंगल है बी और डीएल के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का जो एंगल है, या तो ये 90 हो जाए, ठीक है, या तो ये जीरो हो जाए, तो दोनों केसेस में हमारे रिजल्ट आसानी से निकल जाएंगे। तो क्या सर सिर्फ ये इन कंडीशन में वैलिड है? वैलिड तो हमेशा है, ठीक है, लेकिन आपका काम इन कंडीशंस में आसान हो जाएगा, आपका जीवन इन कंडीशंस में आसान हो जाएगा अगर ये कंडीशंस में आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे तो रिजल्ट चुटकियों में निकल जाएंगे, वरना फिर वो इतने कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे कि हमारे किसी काम का नहीं बचेगा। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, रेसनिक हेलिडे में क्लियरली दिया होगा दैट दिस लॉ इज एवरीवेयर वैलिड, हर जगह वैलिड है, ठीक है, लेकिन कई सारी अच्छी किताबों में देखे रखा है कि ये इन पर्टिकुलर कंडीशंस में वैलिड है, तो ये गलत बात है, ठीक है, वैलिड है लेकिन हमारा काम हो रहा है कि नहीं हमको तो ये देखना है ना भाई, सीधी सी बात है। सो दीज आर द कंडीशंस, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप या तो टेंजेंशियल हो मैग्नेटिक फील्ड या तो परपेंडिकुलर हो लूप के, दो बातें बोली मैंने, टेंजेंशियल या तो परपेंडिकुलर, कौन, मैग्नेटिक फील्ड किसके, लूप के, तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया, तो ये जाना माना रिजल्ट है, इनफाइनाइट वायर के कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आनी चाहिए। आइए चेक करते हैं, हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के यहां लगा देते हैं, देखिए जरा इधर लगा देते हैं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अच्छा तो ये बी क्या है, क्यों बी क्या है, व्हाट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड है, कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बिल्कुल है, तो बाहर निकाल दो, उठा के इधर से आपने बाहर निकाल दिया,
तो बी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बोलो बच्चा लोग, इंटीग्रल डीएल। इंटीग्रल डीएल क्या होता है, व्हाट इज दिस इंटीग्रल डीएल, इसका जो है ना ये डीएल 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 कितने डीएल, अनंत डीएल, तो इन सबका समेशन। तो मतलब क्या है, टोटल लेंथ देने वाला है। हाँ तो सर आपने क्या लिमिट्स ली, मैंने लिमिट ले ली 0 से 2 पाई आर। अच्छा 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 अच्छा, तो सिंपल था सर, बड़ी सिंपल बात है ना। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सिंपल बात है। तो निकाल लो जरा कितना आ रहा है रिजल्ट। रिजल्ट आ रहा है बी इंटू इंटीग्रल डीएल, एल बनेगा, लिमिट आप रखेंगे 2 पाई आर। अच्छा इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो बी कितना आ गया, हाउ मच इज बी, बी कितना है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आ गया रिजल्ट, देखा हुआ रिजल्ट यही आना चाहिए था और यही आ रहा है। कोई शक वाली बात है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी है क्या? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल बात थी। ठीक है तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है इसको इरेज कर देते हैं यहां से। अब देखो अगला डिस्कशन जो मुझको करना है वो करना है सिमेट्री पे। किस पे, सिमेट्री। तो आइए जरा समझते हैं कि क्या बातें चल रही हैं। बात ये है, बात ऐसी है कि सर आपने तो इनफाइनाइट वायर के लिए निकाल दिया रिजल्ट। मान लो कि हमारे पास इस तरह का वायर है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, कुछ फाइनाइट लेंथ है, करंट आई है, करंट आई है, ठीक है, और एंगल्स हमने ले लिए अल्फा, नीचे का एंगल बीटा। सर इसमें एम्पियर सर्किट लॉ वैलिड है या नहीं? वैलिड की तो बात ही नहीं, लगाना लगाओ मजे से लगाओ, लेकिन आप रिजल्ट निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। क्यों? यू डोंट नो द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो आपने यहां पे लूप कंसिडर कर ली, ठीक है, आपने लूप कंसिडर कर ली, यहां पे येलो कर ली, ये आपने लूप ले ली, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां पे टेंजेंशियल होगी क्या? नहीं, नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल नहीं होगी। आपका जो रिजल्ट है इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा दिक्कत दे जाएगा आपको भाई साहब, कॉस थीटा दुख दे जाएगा जीवन में। इससे आसानी से तो जो है हम लोग बाय सावर्ट लॉ से निकाल लेते थे इंटीग्रेट करके, यहां पे और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी बातें। इसलिए यहां पे हम लगाएंगे क्या एम्पियर सर्किट लॉ, बताइए लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। तो फिर कहां लगाएंगे सर, एक क्वेश्चन करके बताओ। चलो आ जाओ ले लो कोई भी सवाल, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए कि ये एक वायर है, ठीक है, यह दूसरा वायर है, ठीक है, दो चिंटू चिंटू से वायर है, एक में करंट बताओ कितना ले लें। चलो अभी तो I1 I2 लेके चलते हैं, I1 I2, ठीक, तीसरा करंट ये रहा, तीसरा वायर, तीसरे में करंट I3। आपको उसने बोला कि देखो एक ऐसा लूप ले रहा हूं मैं जिसमें कि I1 I2 एनक्लोज्ड है, समथिंग लाइक दिस, एंड यू नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालनी। मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूं कि पहले केस में इंटीग्रल बी डॉट डीएल के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे आप? इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट? सर हमको जो है ना डायरेक्शन में बड़ी कंफ्यूजन होती है। किसके डायरेक्शन में? कि सर ये जो वायर है I1, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी लूप पे, आप तो ये बताओ पहले। तो आप उस पर सेपरेट चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी देर। ये वायर है, ठीक है, हाँ है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मतलब ये रहा वायर, इसको पकड़ो ऐसे, वायर देखो ये ऊपर जा रहा है, ये तो देखो हाथ के साथ ऊपर से झांकू में कैसा दिख रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो, ये देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है? वो बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, इस वायर के कारण, ठीक है, मतलब ये परपेंडिकुलर जा रहा है इसके। ये ऐसा क्यों बनाया मैंने, बीच में से हटा क्यों दिया, प्लेन में से अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो सर इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? उसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये रहा करंट, ये डॉट से मैं करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये डॉट से अगर करंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, करंट बाहर निकल रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे बाहर निकल रहा है करंट, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बोलिए? अरे बोलो जल्दी, ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल गई, अब कोई दिक्कत तो नहीं किसी को मैग्नेटिक फील्ड निकालने में? नहीं है किसी को भी? नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया शाबाश, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन बताओ सर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके कारण क्लॉकवाइज, मतलब एक के कारण इधर तो दूसरे के कारण इधर, एक के कारण इधर तो दूसरे के कारण इधर, हाँ या ना? मतलब माइनस करना पड़ेगा, दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग है, दोनों के इफेक्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम लोग ले रहे हैं, लेट्स से मैंने कन्वेंशन ले लिया
क्लॉकवाइज वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके करंट को पॉजिटिव ले रहा हूं, आपके ऊपर है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक है, गीता कुरान या बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, हमारे ऊपर है कन्वेंशन। आई एम टेकिंग इट एज I1 - I2। I3 का क्या करना है सर? अरे वो लूप में है क्या? नहीं, तो उसको लेंगे क्या? नहीं। लेकिन क्या सर, I3 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी चर्चा करेंगे हम उस गिवन पॉइंट पे? हाँ या ना, करेंगे? बिल्कुल करनी पड़ेगी। सबके कारण जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहां पे याद रखना। जैसे कि गॉसेस लॉ में phi = E·dS = Q / ε₀ होता था, लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इरेज करके। गॉसेस लॉ याद करो, phi = E·dS = Q / ε₀ होता था। तो इसमें Q क्या होता था भाई साहब, बोलो, व्हाट यूज्ड टू बी द Q? Q यूज्ड टू बी एनक्लोज्ड चार्ज। लेकिन जो E होती थी वो तो सारे चार्जेस के कारण होती थी। कई assertion reason पूछे जाते थे इस पे, अभी भी पूछे जाते हैं, है ना, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं ये बातें। लेकिन मेरा मानना है कि अब आपको इसमें, इन बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है तो नहीं किसी को भी? ठीक है, तो जो बोला मैंने उसको अपनी भाषा में लिख लो, 2 मिनट स्क्रीन पॉज करके लिख लो, काम की बातें हैं, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। चर्चा आगे बढ़ाते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल करवाने की जरूरत है क्या? करवाना है कि इस पर 10 सवाल करवा सकता हूं, I1, I2, I3 की वैल्यू दे दूं। चलो जैसे एक सवाल और ले लेते हैं कि ये एक लूप है, ठीक है, इसमें करंट दे के रखा है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये एक दूसरा वायर दे के रखा है, ठीक है ना। डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा है, क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है, वायर है, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से चिड़ियाओं की आवाज आ रही होंगी, है ना, ये शाम का टाइम जो रहता है इसमें बहुत सारी चिड़ियां बैल्कनी में आ जाती हैं, चें 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 पूरे टाइम लगा के रखती हैं, है ना। सो सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। एनीवेज लेट्स सी हियर, दिस करंट इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, ठीक है। I1, I2, I3, I4, I1 कैसा निकल रहा है? बाहर निकल रहा है, I2, I3 अंदर है, और I4 जो है वो तो लूप के ही बाहर है। तो आपको इस लूप पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस लूप पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, कैसे निकालेंगे? अरे बोलो, चलो तुम लोग बोलो, बोलना स्टार्ट करो, एक्सप्रेशन बोलना स्टार्ट करो, क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन? इंटीग्रल ऑफ B·dl है ना, चलो, इक्वल टू μ₀ टाइम्स ऑफ I in मतलब लूप के अंदर वाला करंट। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बहुत बढ़िया, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इनकी वैल्यूज दे देता हूं, I1 ले लो 10, I2 ले लो 2, I3 ले लो 3, और I4 लेने की जरूरत ही नहीं, बाहर है, ठीक है, फिर भी ले लो, चलो I4 ले लो, I4 वरना बाद में बोलोगे I4 तो दिया ही नहीं, 5, ठीक है। तो इन कितना बन जाएगा, 10 बाहर निकल रहा है, मेरी मर्जी, मैंने उसको पॉजिटिव लिया, ठीक है, ये दोनों अंदर हैं इसलिए माइनस करना पड़ेगा, सो इट वुड बी μ₀ टाइम्स ऑफ 10 - 2 - 3, दैट मींस 5। कैलकुलेट कर लेंगे, μ₀/4π की वैल्यू पता है, 10⁻⁷। कोई दिक्कत वाली बात इसमें किसी को भी? है क्या? क्यों भाई बोलो? देखो ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक मेरा मानना है कि टफ तो बिल्कुल नहीं है, मतलब टॉपिक क्या, पूरा चैप्टर मैग्नेटिज्म जो है टफ नहीं है, लेकिन कई बार ये घुमा देता है आपको, ठीक है, छोटी छोटी सी बातों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो पूरे प्रोग्राम को सिस्टमेटिकली फॉलो करना, लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने बायट सावर्ट लॉ पे लेक्चर देख लिए, लूप वगैरह की हमने निकाल ली, मैग्नेटिक फील्ड, फिर अब हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ डिस्कस कर रहे हैं, अगले लेक्चर में सोलेनोइड करवा दूंगा, फिर उसके बाद जितनी डिटेलिंग हुई है इस पर सब पे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर JEE मेंस एडवांस नीट वगैरह वो सब तो करेंगे ही, और कुछ मटेरियल्स के अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस बात यह है कि ईमानदारी से फॉलो करते चलना, अपने आप ईज डेवलप होने लग जाएगी टॉपिक में। तो देखिए इसके बाद हमें क्या बात करनी होती है, इसके बाद हम लोग किस चीज की बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, ठीक है। दो तरह के सिलेंडर की चर्चा करेंगे, एक हॉलो और एक सॉलिड। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं हम लोग हॉलो सिलेंडर का केस, क्या होता है हॉलो सिलेंडर में। लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर, एक सिलेंडर मान लेते हैं, ये रहा सिलेंडर, ठीक है। इस पूरे सिलेंडर की जो सरफेस है, ये जो रेड रेड सरफेस आपको दिख रही है, जो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का है, इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, करंट पास होता हुआ दिख रहा है, दिखने लग गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये रहा करंट, ये रहा करंट, ये रहा करंट, और कहां है ये, देखो इधर भी तो है, और किधर है, ये रहा
और कहां ये रहा, तो ये है करंट, ठीक है, पूरे सरफेस में से निकल रहा है, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर के आउटर सरफेस से, हॉलो मार्कर इमेजिन कर लो, पूरी बाहर बाहर से करंट निकल रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, कहां निकालना है, पहला पॉइंट इनसाइड, इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिलेंडर के अंदर कोई भी पॉइंट इमेजिन कर लीजिए, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, ठीक, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है ये, कुछ छोटे आर डिस्टेंस पे है, ये सेंट्रल एक्सिस है, बच्चा लोग देखो ये एक्सिस कौन सी है, सेंटर की एक्सिस, ठीक है, ये कितना है, दिस इज स्मॉल आर, सर सिलेंडर का रेडियस तो बनाया ही नहीं, ये ले लो ना कैपिटल आर, ठीक है, ओके कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहां पे अगर मुझको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूं, सीधा सा लॉ जो हमने सीखा है एम्पियर सर्कुलर लॉ, उसको लगा देते हैं, क्या कहता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, कि पहले तो आप एक सरफेस लीजिए, कैसी सरफेस, एम्पीरियन सरफेस, ठीक है, और उस सरफेस पे चर्चा करेंगे आप, उस सरफेस पे लगाएंगे आप आपका लॉ, विच इज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, आई क्या है बेटा, आई क्या है, अरे बोलो यार आई क्या है, आई है द करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, सरफेस से करंट जा रहा है, उसके अंदर आप बैठे हो, अंदर का आएगा करंट, कोई करंट नहीं है, तो करंट कितना हो गया, जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी आ गई, जीरो, दैट मींस इनसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट जीरो। चलो बड़ी अच्छी बात है, सिंपल बात है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट सर बाहर की बात करो, ठीक है बेटा ये आर अब हम लोग ले लेते हैं आउटसाइड, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आर इज लेस देन आर, सेकेंड पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड मतलब स्मॉल आर, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कैपिटल आर, बाहर आके खड़े हो गए आप कहां पे, इतने डिस्टेंस पे, ये इस जगह पे आ गए आप, आर डैश भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है, क्या करेंगे आप जल्दी बोलिए, वही जो करते आए हैं बचपन से, सरफेस ले लेंगे, कैसी सरफेस, गॉशियन निकल रहा है मुझसे, एम्पीरियन सरफेस, ठीक है, एम्पीरियन सरफेस आपने इमेजिन कर ली, बिल्कुल कर ली, कितना करंट है इस सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर पूरा सिलेंडर तो इसके अंदर ही है, सिलेंडर में से कितना करंट पास हो रहा है, आई, ठीक है, तो लगाइए लॉ, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, आई तो टोटल है, हाँ या ना, बिल्कुल, बी बी जो है वो पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल है, तो क्या कर दो, बाहर निकाल दीजिए, सिंपल, निकाल दिया बाहर, ये चला गया बाहर, तो क्या बचा, ये बचा, कितना बचा, इंटीग्रल डी एल, लिमिट बोलो जीरो से टू पाई आर डैश, आर डैश ले लो, आर ले लो, एक ही बात है, ठीक है, जो नाम देना दे दो यार, चिंटू पिंटू मिंटू जो नाम देता दे दो उसका, ठीक है, रामलाल नाम दे दो, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, ठीक है, तो बी कितना आ गया, बी आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई आर ले लो, आर डैश ले लो, चिंटू पिंटू रामलाल जो इच्छा हो ले लो, ठीक है, अब इसका ग्राफ बना देते हैं, सिंपल बात थी, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, इसका ग्राफ बना देते हैं, मुझको इरेज करना पड़ेगा, चलो पहले एक काम करते हैं, पहले हॉलो सिलेंडर बना देता हूँ, फिर पूरा इरेज करके सॉलिड दिखा दूंगा, ठीक है, तो ये रहा इसका ग्राफ, किस किस के बीच में बन रहा है ग्राफ, ग्राफ बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस पोजिशन के बीच में, ठीक है, एक्स ले लेता हूँ पोजिशन, पोजिशन फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, तो कहां तक, जब तक कि सरफेस पे आप ना पहुंचे तब तक मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जीरो है, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज छोटा आर बराबर रेडियस, एक्स ले लो आर ले लो बराबर रेडियस, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन, है ना यार, देखो आर डैश आर इस सब में कंफ्यूज हो रहे हो ना, एक्स लेके भी चल सकते हो, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है उसमें, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ओके, तो ये ग्राफ बन गया किसका, हॉलो सिलेंडर का, यहाँ पे बी जीरो, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, कितनी वैल्यू है इसकी, इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू है, दिस मच, ठीक है, ये कहां पे, ये कहां पे, ये वैल्यू कहां पे होगी, आर इक्वल टू आर पे, आर रख दीजिए ना, पे सरफेस पे आ गए आप, ठीक है, दिस इज एट सरफेस, सरफेस, सरफेस पे कितना आ गया, बी, बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना है ये, टू पाई कैपिटल आर, देख चुके हैं आप ये रिजल्ट तो, कई बार देख चुके हैं, बायर्ड सावर्ट लॉ में भी देख लिया, फिर प्लेन एक इनफाइनाइट वायर के लिए भी देख लिया रिजल्ट, एनीवेज, तो ये बातें हमने किसके लिए की, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ये चर्चा हमने किसके लिए की? ये हमने की हॉलो सिलेंडर के लिए, है ना। मेरा मानना है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। वैसे तो आप लोग समझदार बच्चे हो, दिमाग में पूरा प्रिंट हो जाना चाहिए। जिस तरह से दिमाग में छपा हुआ है वैसे ही आपके दिमाग में भी ये छप जाना चाहिए। क्योंकि देखो मैं पहले ही बोलते आया हूं कि डेरिवेशन वगैरह कितना भी बड़ा डेरिवेशन हो वो आपको आना जरूरी है। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आपको आना चाहिए। एग्जाम में कभी डिराइव करने में बैठ जाना, ठीक है। JEE एडवांस के पेपर में आपके सामने कोई सवाल आया, आप उसका डेरिवेशन करने बैठ गए, मीन्स में डेरिवेशन करने बैठ गए, बंटा ढार हो जाएगा, क्योंकि चार सवाल जो है आपके छूट जाएंगे उस चक्कर में। इसलिए फॉर्मूला बुक मेंटेन करने का हमेशा कहता हूं मैं, एक फॉर्मूला कॉपी होनी चाहिए, फॉर्मूला बुक होनी चाहिए, जिसमें कि आप सारे डायरेक्ट रिजल्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर उसमें जो है एज इट इज उठा के आप रखें, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं सॉलिड सिलेंडर की। किसकी? सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर, ठीक। तो ये रहा एक सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर है पूरा। अब इस पूरे सिलेंडर में से करंट पास हो रहा है, ठीक, पूरा सॉलिड है, मतलब वायर इमेजिन कर लो, बहुत डेंस कोई मटेरियल है, पाइप है, जैसे पाइप में से पानी पूरा फ्लो होता है ना, उसी तरह से इसके पूरे अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। ये बिल्कुल पूरा, ये पूरा करंट 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 करंट, ठीक है, पूरे इसमें से थ्रू आउट करंट फ्लो हो रहा है। और जो कुल मिला के करंट फ्लो हो रहा है, ये मैं सेंट्रल एक्सिस मान लेता हूं पहले, तो जो कुल मिला के करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं कह रहा हूं आई। इसका रेडियस कितना है भाई साहब, बोलिए? इसका रेडियस है आर, ठीक। एक टर्म आपको ऑलरेडी पता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, रिकैप करवा रहा हूं, क्या होती है, ये होती है करंट पर यूनिट एरिया। लिख देता हूं, कभी शायद जीवन में काम पड़ जाए, देखते हैं काम पड़ता है कि नहीं। तो करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया कितना है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जल्दी बोलो, पाई, सॉरी, आई डिवाइडेड बाय, बोलना पड़ेगा, चुपचाप नहीं बैठना है, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सर, शाबाश, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब हमको देखना है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात यहां पे अंदर, ठीक है, ये रहा कोई पॉइंट, कितने डिस्टेंस पे है सर, एक्स डिस्टेंस मान लो, छोटा आर डिस्टेंस मान लो, जो आपका अच्छा लगे मान लो, मान लिया, ठीक है। अब मुझको क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, मुझको एक लूप माननी पड़ेगी, एम्पीयर सरफेस माननी पड़ेगी, मान ली, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। इस वायर को ऊपर से देखो, इस वायर को, इस सिलेंडर को ऊपर से देखिए, ये ऊपर का व्यू है, ठीक, इसका रेडियस कितना, ये रही सेंट्रल एक्सिस, करंट कैसा आ रहा है, करंट ये बाहर आ रहा है, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग करंट, डॉट का मतलब समझते हो, बाहर ऐसे बाहर आ रहा है, दिस इज करंट। कितना रेडियस है इसका, इसका रेडियस है कैपिटल आर, है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो क्या करें, दूसरी बात कि आपने क्या सरफेस मानी है, आपने ये सरफेस मानी है, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, कलर बदल लेते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है, छोटा ये रहा, ठीक, छोटा आर, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो ग्रीन सरफेस है ना, ये आपकी एम्पीरियन सरफेस है, ये है आपकी एम्पीरियन सरफेस, एम्पीरियन, ठीक है, लूप मान लो, सरफेस मान लो, एम्पीरियन सरफेस, एम्पीरियन लूप, इस सरफेस के अंदर भी करंट है, सरफेस के बाहर भी करंट है, और आप इस सरफेस पे खड़े हो, आप मुझको ये बताओ कि आपके काम का करंट कौन सा है, अंदर वाला बाहर वाला। टोटल करंट आई है जो पास हो रहा है, इसके अंदर जो करंट है, देखो टोटल करंट जो पास हो रहा है वो आई है, ठीक है, इसके अंदर जो करंट है उसको ग्रीन कलर से बना देता हूं, उसका नाम कुछ आई डैश ले लो, अंदर वाले का करंट आई डैश, आई क्या है, टोटल करंट है, आई क्या है, टोटल करंट, ठीक है। आपके काम का क्या होगा, अगर आप एम्पीरियन लूप पे, इस लूप के लिए आपका लॉ लगाओ, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, तो आप आई लोगे कि आई डैश लोगे, आप आई लोगे कि आई डैश लोगे कि आई माइनस आई डैश लोगे, आई लोगे कि आई डैश लोगे कि आई माइनस आई डैश लोगे, सोचो क्या लोगे। तो मेरा मानना है कि आपने सोचा, और आपने भी यही सोचा जो मैंने सोचा, कि हमको मतलब तो अंदर वाले करंट से है, तो आई का क्या करना, आई माइनस आई डैश का क्या करना, हमारे काम का है आई डैश, तो यहां पे आ जाएगा आई डैश, तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया बोलो, ये बन गया एम्पियर सर्किटल लॉ का एक्सप्रेशन। चलो बड़ा मजा आया इसमें, तो बड़ी अच्छी बात है, एम्पियर सर्किटल लॉ का एक्सप्रेशन बन गया।
आई कैसे कंपेयर करें? अच्छा, ये जो पूरा सरफेस एरिया है कितना है, ये पाई आर स्क्वायर, यूनिटरी मेथड, 2 रुपए में 4 टॉफी, 1 रुपए में कितनी टॉफी, 1 रुपए में 2 टॉफी, 4 रुपए में कितनी टॉफी इंटू 4, 10 रुपए में कितनी टॉफी इंटू 10, है कि नहीं? 1 रुपए की 2 एलपेन ली हुए, 4 रुपए की कितनी मल्टीप्लाई करते जाओ, 10 रुपए की कितनी मल्टीप्लाई करते जाओ, तो पाई आर स्क्वायर में कितना करंट, आई करंट, तो यूनिट एरिया में आई डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर का करंट। अच्छी बात है सर, 2 यूनिट एरिया में कितना इंटू 2, 3 यूनिट एरिया में कितना इंटू 3, तो हमारे पास कितना एरिया है, हमारे पास तो सर इतना एरिया है पाई इंटू छोटा आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो करंट है इसका क्या नाम दे दिया सर आपने, मैंने तो इसका नाम आई डैश दे दिया। ओके, तो सर हमारे पास तो आई डैश का फॉर्मूला आ गया, पाई पाई मर गई, पाई पाई कैंसिल, हाँ है ना, तो ये पाई पाई का तो हमने हिसाब लगा दिया, हमारे पास आई डैश जो है वो मैं आपके साइड में लिख देता हूँ। आई डैश कितना आ गया बच्चा लोग बोलो, आई इंटू छोटा आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, आई इंटू छोटा आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। चलो बड़ी अच्छी बात है, तो इनसाइड के केस में, इनसाइड के केस में, अंदर के केस में करंट कितना आ गया, अंदर के केस में करंट कितना आ गया, आई इन, ठीक है, वो तो हमने निकाल लिया आई डैश, डायरेक्ट बी निकालते हैं, बी के लिए एक्सप्रेशन लगाते हैं, सीधे करंट तो हमको मिल ही चुका है ना, तो ये बी कांस्टेंट बाहर निकल गया, ये बी को मैंने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डैश, आई डैश कितना लिख दिया, आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी है क्या? नहीं है। लिमिट्स बोल दो 0 से लेकर 2 पाई, कौन सा आर आएगा, लिमिट्स क्या आएंगी, लिमिट्स क्या आएंगी, देखो इसको 2 पाई छोटा आर या 2 पाई बड़ा आर, कौन सा, छोटा आर, बिल्कुल सही बात, शाबाश। तो बी कितना आ गया, हाउ मच इज बी, हाउ मच इज बी बच्चा लोग बोलो, बी आ गया म्यू नॉट आई छोटा आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर नीचे, और ये डिवाइड में आ गया 2 पाई छोटा आर, छोटा आर, छोटा आर मर गए। कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी है क्या? नहीं है, शाबाश। तो ये कितना बन गया, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ देखा हुआ लग रहा है क्या, अरे कुछ देखा हुआ लग रहा है क्या, कुछ देखा हुआ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा क्या, क्या बात करते हो यार, देखो तो सही ध्यान से, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ गया, क्या होता है ये, जे होता है जे, जे का जे, जे मतलब करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, तो हमने क्या लिख दिया इसको, जे इंटू आर डिवाइडेड बाय 2। ओ हो, ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया बी इनसाइड, किसकी चर्चा चल रही है ये, इनसाइड की, ठीक है ना, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, सिंपल था सर ये तो। तो ये जो जे है क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ करंट डेंसिटी वेक्टर होती है, क्यों वेक्टर होती है, क्योंकि ये एरिया इन्वॉल्व है इस क्वांटिटी में, और एरिया वेक्टर होता है हमको मालूम है, तो जे और आर, अच्छा तो आप बता सकते हैं कि सर जे के बीच में और आर के बीच में एंगल कितना है, मैं बताता हूं आपको जे और आर के बीच में एंगल कितना है, जे की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऊपर, आर की डायरेक्शन क्या है, ये है आर की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना, जे और आर के बीच का एंगल 90 कितना 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, कुछ नहीं है मतलब इंटू 1 है, जे इंटू आर इंटू 1 लिख सकता हूं यार, जे इंटू आर इंटू 1 लिख दिया, सिंपल, तो जे क्रॉस आर बन गया, ये क्या बन गया, जे क्रॉस, बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये साला अच्छा वाला जीवन चल रहा था, ये अचानक से ये क्यों आ गया ये, अरे कुछ नहीं है इसमें यार, कुछ नहीं है इसमें, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू जे क्रॉस आर, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसलिए इसको मैं डाल रहा हूं डब्बे में, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, एक पैसे की भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, मैं साइड में हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इस तरफ का एरिया, कर दे इरेज, कर देना, चलो ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं इसको, ओके। सॉलिड सिलेंडर के लिए इनसाइड की बात तो हमने समझ ली, अब हम समझते हैं आउटसाइड की बात, वैसे ही सिंपल है, कोई उसमें बहुत अलग कुछ बात आने नहीं वाली है, देख चुके हो आप ऑलरेडी, बस जे के टर्म्स में रिलेट कर दूंगा, जो प्रीवियस रिजल्ट आपने निकाला था, प्रीवियस इन द सेंस हॉलो सिलेंडर का,
वही कुछ करने वाला हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, देखते चलो। वैसे ना सिंपल बात है, यहाँ पे खड़े हो जाओ इस जगह, ये ले लो आपका आर या आर डैश जो अच्छा लगे, आपकी मर्जी, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं इस मामले में। ये रही आपकी एम्पीरियल लूप, ठीक है, ये रहा आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रल वी डॉट डी एल इक्वल टू क्या, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अच्छा, अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाता हूं, ये मैं खड़ा हो गया यहां पे, ठीक है, तो करंट कितना है इस लूप के अंदर, जो टोटल करंट है वही तो इसके अंदर है, तो वो कितना है, अरे वो तो है आई, अरे वो कितना है आई, तो बी को तो बाहर निकालो, ये निकाल दिया बी को बाहर, ये बन गया इंटीग्रल डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, देखा होगा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, ये बन गया 2 पाई आर बी इंटू कितना बन गया, ये इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट रख दी उठा के जीरो से लेकर 2 पाई आर, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 2 पाई आर इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। कोई दिक्कत किसी को भी, तो बताइए क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे आगे, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई छोटा आर, ठीक है, देख लो जरा ध्यान से, देख लो जरा ध्यान से, इतने में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है ना, तो ये तो देख चुके हैं ना हम लोग, इसमें नया क्या है, इसमें कुछ नया है क्या, कुछ नया नहीं है इसमें, तो सर हम लोग इसमें जे को कैसे रिलेट करेंगे, करना है क्या, जे को रिलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो एक काम करो कि आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर डिवाइड कर दो, ठीक है, अगर करना हो तो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइड, तो ये क्या बन गया बच्चा लोग बोलो, ये बन गया जे, नहीं बना क्या, क्यों नहीं बना क्या, तो ये कितना बन गया म्यू नॉट जे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर, चाहो तो आर भी मल्टीप्लाई कर दो, छोटा आर मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ बन गया, इसको आर क्रॉस जे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, देखा हुआ रिजल्ट आपके सामने आया था, कितना आया था म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, इधर लिख देता हूं डब्बे में, इस डब्बे में बी आउटसाइड इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई आर। तो ये था एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके कुछ एप्लीकेशन, अब इसके बाद हम लोग क्या बातें करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे सोलेनॉइड की, और जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हुए हैं उन सब पे हम लोग करेंगे बेहतरीन वाले न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर जे डबल ई मेन्स एडवांस नीट सारे अच्छे अच्छे छाट के निकाल निकाल के आपको यहाँ पे करवा दूंगा मैं, ठीक है, तो बस तुमको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है और मजे से लेक्चर अटेंड करना है और सॉल्व करते जाना, रिवाइज करते जाना साथ में, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय, जय हिंद।